अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और बहुत प्यारा प्यारा महीना जा रहा है रमज़ान शरीफ का, तो रोज़ा खोलने के बाद एक दो घंटे बाद बंदे को भूख लग जाती है, सबको ही लग जाती होगी। तो मुझे भी बहुत भूख लग रही थी और प्यास, और ये मैंने बनाया है दूध सेवन अब दोबारा अपने लिए। और ये देखिए ये सेवन ना, तो ये थोड़ा सा मैंने पहले पी लिया जल्दी जल्दी। ये देखिए हमारा बेबी भी शरारतें कर रहा है। ओ ये मुझे तो बहुत प्यास लग रही थी, दूध मैंने फिनिश कर दिया और बेबी ने सेवन अप, ये जो मैंने इसको डाल के दिया ये नीचे गिरा दिए। ये ला बेबी तानी बिस्मिल्ला, जो मैं इसको और थोड़ी गावा, ये बहुत शरारते कर रहा है। लेकिन तो मर रहा खतीर फनी 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 पापा पापा ईशो। तो जनाब बहुत ही भूख लगी है और ये चटनी भी है साथ में, तो हम थोड़ी सी ये खाते हैं पीते हैं थोड़ा सा। देखें चेक करें कौन सी चटनी है इसके साथ। तो माशाल्लाह यहाँ के चावलों की ये जो रुज बुखारी है और साथ में ये मुर्गी कोलों पे भुनी हुई या मशवी कहते हैं इसको, और साथ में ये नीचे थोड़ी सी ये खुब्ज रोटी है, तो इसको हम टेस्ट करते हैं। और साथ में ये लोग मिर्चें बिल्कुल नहीं खाते, तो अगर किसी को मिर्चें खानी है तो ये साथ में मिर्चें इन लोगों ने दी हैं, तो माशाल्लाह। और ये सबसे ज़्यादा मुझे तो इधर के चावलों में ये जो ऊपर मेवा मेवा और ये बना होता है, ये माल्टे का छिलका जो कि इसमें चाशनी ने फ्राई चाशनी में बना के फ्राई किया जाता है, तो ये मुझे बहुत पसंद है खासकर। तो चले जी टेस्ट भी करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और हमारा बेबी बड़ा शरारत कर रहा है, देख रहे हैं आप साथ में, बिल्कुल कंट्रोल आई नहीं हो रहा, पता नहीं इसको क्या हो रहा है। और मुश्किला तो माशाल्लाह बहुत मज़े का है। और साथ में ये जो है भुनी हुई मुर्गी, ये भी मैं टेस्ट करती हूँ। तो कहाँ से मैं इसको उठाऊँ जल्दी में, तो जल्दी से मेरे से ये देखें, ये साथ में चटनी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत मज़ेदार मुर्गी, तो मुझे बहुत ही मज़ेदार लग रही है। और चटनी को थोड़ा सा इधर साइड में डालते हैं। अच्छा प्रिया, क्योंकि मुझे ये बात बहुत पसंद है, जो नीचे ज़मीन पे ये इस तरह ककली सफरा डाल लेते हैं, इसको हम सफरा बोलते हैं, और बहुत आराम से खाना खा लेते हैं। अब ये देखें ना, आपके ज़्यादा बर्तन गंदे होंगे और ना ज़्यादा टेंशन होगी खाना आया, अगर नहीं बनाने की हिम्मत या किसी वजह से खाना नहीं बना तो नो प्रॉब्लम। ओके लाकर बिस्मिल्लाह, यो बेबी अकल बिस्मिल्लाह, अकल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह मरहलो। मैं चम्मच दूसरी साथ और ले लेती हूँ, यहाँ पे पड़ी थी और चम्मच भी, ये तो बेबी को एक से खिलाती हूँ, चलो मैं इसे खा लेती हूँ, ये हल्की चम्मच है, इससे बेबी को भी खिलाती हूँ। तो मैं वैसे मैं बोल रही हूँ स्टार व्लॉग से, तो जिस किसी को हमारा व्लॉग पसंद आए तो वो ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन को दबा दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। और बहुत मज़े का टेस्ट है इसका चावलों का, कभी कभी इन चावलों में अगर नमक ज़्यादा हो तो मैं नहीं खा पाती हूँ, लेकिन आज माशाल्लाह सब चीज़ें पूरी हैं अच्छे मतम की, जो ज़्यादा अच्छा मतम होता है यानी कि मतम होटल, तो हमें इधर रहते हुए अरबी आ रही होती है ना, ज़्यादा बोलचाल में यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे मतम की रोज़ बुखारी है, इसको रोज़ चावलों को कहते हैं, और बुखारी पठान लोगों ने ये बनाई होती है शाप, तो रोज़ बुखारी आपको अगर भुनी हुई मुर्गी चाहिए तो वो मिलेगी, अगर आपको वैसे वो फ्राई फ्राई वाली जो घूम के पकती है तलाजों में सॉरी फुरन में फुरन चूल्हे में, तो वो भी आपको मिल जाती है माशाल्लाह। और साथ में ये प्याज कच्चा देते हैं, तो बहुत मज़े का टेस्ट है इसका, और नमक वगैरह सब पूरा है। वैसे ये लोग ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते, तो साथ में सबसे ज़्यादा मज़े का मुझे ये लगता है जो मेवा इसमें डाला हुआ होता है, और ये रेड रेड
जब भी चावल आते हैं मेरे हस्बैंड को भी पता है, और ये मुझे ही सब दे देते हैं कि आप खा लो। ये देखें जो मीठा मीठा फ्राई हुआ होता है ऊपर, गाजरें और ये मेवा किशमिश। बेबी आके रोज जला बाद हाथ तानी पैसी है ना तई जला के। ओके जी, बाय बाय। कमरे में ज़रूर बताएं, अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे। टेक केयर, बाय बाय। आज जुमतुल मुबारक है और सबको मुबारक हो। ये खाना हमने रात 10 बजे खाया था, अभी हमारी नई अफ्तारी की तैयारी हो रही है। ओके जी, बाय बाय।